अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल पीसीबी, यूनिवर्सल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। यूनिवर्सल इसलिए होता है, ये किसी भी नॉन इन्वर्टर एसी को, सादे एसी को लग जाता है। किसी भी नॉन इन्वर्टर एसी में हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें ये दो न्यूट्रल और फेज के लिए हैं। ये लिखा हुआ है सीपी कंप्रेसर की आउटपुट, इधर से ये रिले की आउटपुट है। ये है, आपको नज़र आ रहा है सी यू एम पी लिखा हुआ है। ये ट्रांसफार्मर का 12 वोल्ट एसी का जो कनेक्टर है ये वो है। और इधर ये ब्लैक वायर जो आपको नज़र आ रही है, ये हमारी न्यूट्रल है, और ये रेड वाली जो है ये फेज है। और इधर ही ये ट्रांसफार्मर का जो है 220 ट्रांसफार्मर को इनपुट मिल रही है, और आउटपुट ट्रांसफार्मर की ये ब्लू वायर्स हैं, 12 वोल्ट एसी जो है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, आप देख सकते हो इधर ये लिखा हुआ है उसके ऊपर पावर ट्रांसफार्मर। ये इसके ऊपर लिखा हुआ है पावर ट्रांसफार्मर इनपुट 220 50 हर्ट्ज और आउटपुट 12 वोल्ट 0.3 एम्पेयर। ठीक हो गया, ये हमारी न्यूट्रल फेज आ गई। इधर से ही ट्रांसफार्मर की इनपुट हो गई, ये भी फ्यूज़ लगा हुआ है, और ये रिले लगी हुई हैं जो लो मीडियम हाई स्पीड्स के लिए होती हैं। ये दरमियान में आपको बजर नज़र आ रही है, और ये कैपेसिटर है, मेन कैपेसिटर। इसके साथ ये आईसी लगा हुआ है 7805। ये हमारा डिस्प्ले का कनेक्टर है, ये रूम टेम्परेचर सेंसर का है, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये है कॉइल टेम्परेचर सेंसर का कनेक्टर। इधर हमारा रूम टेम्परेचर आ गया, इधर आ गया कॉइल टेम्परेचर सेंसर, और ये ट्रांसफार्मर की आउटपुट 12 वोल्ट। और ये लिखा हुआ है इनके ऊपर, इन कनेक्टर के ऊपर लिखा हुआ है SW स्विंग मोटर, और ये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा RY1 RY2 RY3। और ये हमारी जो है ना स्पीड्स के लिए होती हैं रिलेस, ये आपको लिखा नज़र आ रहा होगा लो मीडियम हाई कॉमन एंड न्यूट्रल। और ये स्विंग मोटर का इन्होंने दिया हुआ है कनेक्टर, इनमें से किसी भी तीन पर हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लोअर मोटर के कनेक्टर की तीन स्पीड्स होती हैं ना, तो हम इसमें से किसी भी तीन को हम जो है ना सी एंड एन और एच पर हम इसको ना कनेक्ट करेंगे, सी एन एंड एच पर। इसके पिछली साइड पर जाते हैं तो ये देखिए इधर हमारा ये पावर आ रही है, पावर इसके बाद ये देख रहे 12 वोल्ट एसी है, 12 वोल्ट एसी के बाद ये चार डायोड लगे हैं ब्रिज रेक्टिफायर, जो 12 वोल्ट एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा होगा ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये एनर्जी स्टोर करता है, और रिपल्स ख़त्म करता है, इसी रिपल्स ख़त्म करता है। उसके बाद ये 12 वोल्ट डीसी जो है वो जाएगी हमारा 7805 आईसी है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये 12 वोल्ट डीसी को 5 वोल्ट एसी डीसी में कन्वर्ट करता है, और इसके बाद ये 5 वोल्ट जो हमारे हैं ये कॉइल टेम्परेचर सेंसर, रूम टेम्परेचर सेंसर और डिस्प्ले वगैरह को जाते हैं। तो ये हमारी मेन रिले है जो ये भी 12 वोल्ट डीसी पर ही ऑपरेट होती है, तो 12 वोल्ट डीसी इसको जाते हैं। बस यही सिंपल सी होती है, ये इसका फ़ैन कैपेसिटर लगा हुआ है, ये नज़र आ रहा है आपको, ये 1.8 माइक्रो फैरड का है, जब मनफी 5 होता है, इसका मतलब है कि 5% आप अबव कर सकते हैं, ब्लो कर सकते हैं। और ये ऊपर लिखा हुआ 400 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज 50 से 60 हर्ट्ज। ठीक हो गया, ये डिस्प्ले में आप कुछ एलईडी नज़र आ रही होंगी आपको, ये
ये पावर की एलईडी है, ये जब हमारा कंप्रेसर ऑन होता है तो उसकी एलईडी है, और ये आईआर सेंसर लगा हुआ है, और ये एमरजेंसी स्विच है, ये आपको नज़र आ रही है, ये एमरजेंसी स्विच लगा हुआ है इसको।